फिनिशिंग के साथ ये देखिए बहुत अच्छे से आ गया है ये। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ब्लैंकेट के एंड पे ये एक चेयर लगा दिया अच्छे से ये देखिए। और फ्रेंड्स ऐसे ही हमें ब्लैंकेट के राइट हैंड साइड ऐसे ही एक और चेयर लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके राइट हैंड साइड भी एक चेयर ऐसे इस साइड को करके लगा दिया, ये इसका बैक साइड है और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिए, दोनों के बैक साइड हमें ऐसे सामने सामने रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये ब्लैंकेट ओपन कर लिया पूरी और फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसका एक यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा ब्लैंकेट हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे इस साइड पे। और फ्रेंड्स अब ये इस साइड का ब्लैंकेट हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इस साइड को ओपन करके इस साइड को ऐसे। और फ्रेंड्स नीचे हम थोड़ा लटकता हुआ ऐसे छोड़ देंगे, ये देखिए नीचे की साइड ऐसे हम लटकता हुआ छोड़ देंगे और इस साइड का ये जो ब्लैंकेट होगा इसको हम अंदर की इस साइड ऐसे कर देंगे। और फ्रेंड्स इसे हम ऐसे खींच लेंगे, ऐसे हम इसे खींच के बड़ा कर लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। और फ्रेंड्स अब हम इसको ना यहाँ पे पिन के साथ ऐसे टक कर लेंगे ताकि ये निकले ना, जब ये खींचे हम थोड़ा सा तो निकले ना, ऐसे हमें कर लेना है और एक हमें यहाँ लगा लेना है भी टाइटली ऐसे कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे चेयर के साथ, क्लिप को ऐसे कर लेंगे और फ्रेंड्स इस साइड को हम ऐसे ही कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये देखिए यहाँ पे क्लिप ऐसे टक कर लिए ताकि ये जब कपड़ा ऐसे खींचे तो उस साइड को कपड़ा ना जाए। और मैंने इस साइड भी ऐसे ही ये देखिए कि ये क्लिप लगा ली है ऐसे ही, हमने यहाँ पे ऐसे ये आ गया कुछ। और फिर एक चेयर हमने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ क्लिप लगा दिया और इसके इस साइड भी हमने यहाँ पे क्लिप लगा दिए। और फ्रेंड्स ये हमारा थोड़ा नीचे की साइड ऐसे ही लटकता हुआ आ गया। अब हम इसको बीच में ऐसे प्लेटें मारते मारते हम इसको पिन के साथ टक कर लेंगे और फिर हमारा ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और फ्रेंड्स हम ये अंदर का कपड़ा गद्दे के साइड टक कर लेंगे गद्दे के अंदर ताकि ये फिर हमारा बाहर ना निकले। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब हम ये बीच से ऐसे कपड़े को ब्लैंकेट को ऐसे ऐसे करते कर लेंगे और ऐसे प्लेटें बना के यहाँ हम ऐसे क्लिप लगा लेंगे ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ हमारा कर्टेन की शेप में आ जाएगा। और फ्रेंड्स अब हम इस कपड़े को ना इस साइड को अंदर में ऐसे करके टक कर लेंगे, ऐसे करते जाएंगे, ये देखिए ऐसे हम इसको अंदर टक कर लेंगे दूसरी साइड। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये टेंट हाउस बना दिया और मैंने कर्टेन भी लगा दिया है। फ्रेंड्स मैंने अंदर की साइड कुशंस और टेडी बियर्स के साथ सजा दिया है, ये देखिए अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स अगर आप बड़ा टेंट हाउस बनाना चाहते हैं तो
दो गद्दों के बजाय चार गद्दे यूज करें। अगर आपके पास गद्दे नहीं हैं, तो फिर आप ब्लैंकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ दो चेयर यूज करी हैं, आप दो चेयर की जगह चार चेयर यूज करें। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ एक ही बेडशीट में पूरा टेंट हाउस बना दिया है कर्टेन के साथ। बड़े टेंट हाउस में आपको पूरे एक बेडशीट लग जाएगी, तो आप कर्टेन के लिए साड़ी या फिर चुन्नी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा हमारा बड़ा टेंट हाउस। और फ्रेंड्स उसमें बहुत स्पेस होगा, आप उसमें इजीली आराम से खेल सकते। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।